खनन माफियाओं की अब खैर नहीं, इन पर अब आसमान से भी नजर रखी जाएगी। करनाल प्रशासन ने अवैध खनन को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। इसके तहत एयरक्राफ्ट के जरिए यमुना बेल्ट की देखरेख की जाएगी ताकि रेत माफियाओं को पकड़ने में मदद मिल सके। एयरक्राफ्ट से ये थोड़ा आइडिया लग जाता है, एरियल सर्वे हो जाता है, जैसे कि आपको एक तो जैसे लगे कि जेसीबी लग गई है। जेसीबी का मतलब ये हुआ कि पूरे बड़े स्केल पे हो रही है, तो और कोई या चार पांच ट्रॉली खड़ी हो तो उनका ये पता चल जाता है मेरठ रोड से 5 किलोमीटर पीछे यहाँ वो है, और उस समय तुरंत जिला प्रशासन। माइनिंग को रोकने के लिए अधिकारियों की कमेटियां भी बनाई गई हैं, जिनमें खनन विभाग के अधिकारियों के अलावा राजस्व विभाग से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। करनाल उपायुक्त ने सख्त लहजे में माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। खनन के बारे में मेरा बड़ा क्लियर है कि वी विल नॉट अलाउ एनी माइनिंग टू गो, अगर चाहिए उसमें अगर कोई भी आदमी हो, वी विल नॉट स्पेयर दैट। यमुना बेल्ट पर अवैध खनन को लेकर साल 2012 में 105 मामलों में 155 लोगों को पकड़ा गया और 109 वाहन जब्त किए गए। वहीं साल 2013 में अब तक 32 मामलों में 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 32 वाहन कब्जे में लिए गए। ऐसे में खनन माफियाओं पर पूरी तरह से नकेल लगाने के लिए अब एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर चुका है। टोटल न्यूज के लिए करनाल से कमल मिधा की रिपोर्ट।